एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज आई मेंशन यू कि आप लोगों के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सीयूईटी फॉर्म, रिगार्डिंग सीयूईटी डोमेन सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द पैटर्न सीयूईटी का आपको क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज, ये आउट हो चुका है। सो आई होप अब तक आप लोगों ने आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके बेसिस पे अपने माइंड मेकअप कर लिया है। फॉर्म भी काफी लोगों ने भर दिए होंगे, प्लस इन केस आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डोमेन सब्जेक्ट, तो आप वो डोमेन सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर चुके हैं। वैसे तो डोमेन सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेबस जो है वो ऑलरेडी साइट पे अवेलेबल है आपकी, लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का डोमेन का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। एंड देन आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस रिगार्डिंग कि आपकी डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हेल्प हो सके। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशियोलॉजी सिलेबस। डोमेन स्पेसिफिक के लिए अगर आपको एंट्रेंस लेना है और आपके जो दोनों लिस्ट है B1 एंड B2, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट लिस्ट की किस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो वहां से आपको सब्जेक्ट पिक करना है। एंड इन केस यू आर प्लानिंग टू पिक अप सोशियोलॉजी एज योर डोमेन सब्जेक्ट, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है एंड व्हाट इज द सिलेबस फॉर दैट, ये हम लोग बात करेंगे। देखिए सिलेबस के लिए जनरली 99% तो आपको 12th का कंसेप्ट पढ़ के चलना है, 1% है कि कुछ 11th के कुछ टॉपिक्स जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स करके दे रखे हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंट प्रिपेयर नहीं करना है। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर डिफरेंट कोर्स कहीं यहाँ से आप परचेज करो, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर वेरी कॉस्टली और हेवी अलग से डिफरेंट डिफरेंट बुक आप परचेज करो, नो नीड फॉर दैट। जो 12th के लिए आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो, जहां भी 12th के लिए आपने कुछ क्लासेस ज्वाइन करी होगी, सेल्फ स्टडी करा होगा, सिर्फ उसी तैयारी को बेस मान के अपनी इसी जो तैयारी है उसको भी आप लोग आगे करेंगे। टर्म 2 के लिए तो अभी आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो टर्म 2 मतलब हाफ सिलेबस आपका सीयूईटी का, डोमेन सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का जो भी आप लेने वाले हो अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अभी आपके सिलेबस की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका सोशियोलॉजी में जो यूनिट 1 आने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, जो आपकी इंडिया की सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बनी हुई है। इसमें हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं लाइक वी हैव टू स्टडी कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, क्लास एंड कम्युनिटी की बात करनी है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मीन्स पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब। सोशियोलॉजी के लिए जो प्लस पॉइंट दैट वी हैव इज कि मैंने आप लोगों के लिए जो चैनल है मेरा, ये एजुकेशन हॉटस्पॉट चैनल है, इस पे सोशियोलॉजी के लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट है। सोशियोलॉजी विद नोट्स पढ़ाई गई है, स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन अवेलेबल है, तो इन केस आपको रिवीजन करनी है तो आप वहां से इसको प्रॉपर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। फिर रूरल अर्बन लिंकेजेस की, रूरल अर्बन एरियाज जो होते हैं इनमें क्या लिंकेजेस है, माइग्रेशन का कंसेप्ट, ये सब कुछ आपको किसमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में। Then the next unit that we have is social institution, continuity and change. अब ये chapter proper आपका 12th की book का ही chapter है, जिसमें you have to study about family का concept, different type of family, kinship, caste system, what are the purpose एक family solve करती है, process of socialization क्या होता है, कि एक child किस तरीके से अपने different different society में जो groups हैं उनके towards respond करेगा, कौन कौन लोग होते हैं जो socialization में एक child की help करते हैं। सो दीज आर द थिंग जो आपको पढ़नी है, पूरा कास्ट सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की मार्केट क्या है, मार्केट कैसे एक सोशल वे में हेल्प कर रही है लोगों की, एक कैसे सोशल ग्रुप बनाने में हेल्प कर रही है। मार्केट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है दैट वी नो बिकॉज ट्रेड हो रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट सोसाइटी से कैसे लिंक है, ये एस्पेक्ट होता है आपका सोशियोलॉजी में। दिस चैप्टर इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। हमें पता है हमारी सोसाइटी में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, रिलीजन, अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी है। उन इनइक्वालिटी की वजह से सम टाइम हम कुछ ग्रुप को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उनको इंक्लूसिव फील नहीं कराते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का, जिसमें आपको कास्ट प्रेजुडाइज, एससी एंड ओबीसी, प्लस मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़नी है, ये मैंने 12th के जो एनसीईआरटी कवर कराई है वहां पे समझाया भी हुआ है। वुमेन की इक्वालिटी को लेके जो स्ट्रगल चले, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर जो रिफॉर्मर रहे, आई यूज द वर्ड रिफॉर्मर है नॉट फ्रीडम फाइटर, क्योंकि जो वुमेन के इक्वालिटी की बात की, चाहे वो सती प्रथा एंड करना हो, वुमेन की एजुकेशन हो, डोरी को लेके बात हो, दहेज प्रथा को लेके बात रही हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहे हैं वुमेन को लेके, बहुत सारे मूवमेंट चले हैं। तो वो वुमेन इक्वालिटी, ओल्ड और न्यू मूवमेंट जो होते हैं ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इशू थे जो एड्रेस किए जाते थे। लाइक पहले तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टैबू था कि वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था,
ठीक है, अर्ली एजेस में शादी हो जाती थी, तो इस तरीके के बहुत इशू थे। लेकिन आज वुमेन्स के लेके इशू आज भी है, लेकिन आज वो इशू नहीं है जो पहले थे। तो वो ओल्ड और न्यू मूवमेंट का थोड़ा सा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। प्लस प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज लोग हैं आप उन्हें प्रोटेक्ट करते चलना, उनके लिए क्या प्रोविजंस आए हैं, ये सब चीजें। देन वी हैव टू टॉक अबाउट केयरिंग फॉर डिफरेंशियली एबल्ड। नाउ हम लोग जो हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं करते, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियली एबल जो लोग होते हैं उनके लिए आप क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अरेंज करके चलोगे, उनके लिए क्या जरूरत है करने की और किस तरीके से की जाती है। तो ये सारी बातें आपको करनी है किसमें, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन यूनिट में। Then we have the unit challenges for unity in diversity. जो unity in diversity को लेके आपकी unity को, आपकी जो एक togetherness है उस पर जो चीज सीधा trick करती है, जो उसे hit करती है, वो सब topic आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। Like communalism religion के base पे देंगे, regionalism अपने अपने area की promote करने की बात की जाती है, casteism, patriarchy, इन सबसे unity break होती है। Then you have to study की state यानी government, यानी कि आपकी जो यहाँ पे proper government है वो role क्या play करती है in case of plural और unequal society। Like India की बात करें तो यहाँ पे plural society है, religion बहुत सारे हैं, area इतने सारे हैं, तो this society is considered as plural society और एक unequal society है। तो ऐसे केस में what role does state play, state क्या कर सकता है, this we have to do। Then what we share means what is the thing जो हम share कर रहे हैं। There are few things जो आपकी common चीजें होती हैं and there are few things जो आपकी private चीजें होती हैं। तो share करने में सिर्फ यहाँ पे physical चीजों की बात नहीं है, एक culture है, एक ethnicity है जो हम लोग क्या करते हैं, share करते हैं, एक group है जिससे हम belong करते हैं। आप जिस class में पढ़ते हो, might be possible कि आप अलग अलग religion से हो, अलग अलग income group से हो, अलग अलग background से हो, अलग अलग area में रहते हो, लेकिन जब आप एक क्लास में हो तो वहां पे आप में जो कनेक्शन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, यू आर टुगेदर और अ ग्रुप एज अ क्लास। तो ये सब चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ के चलनी है। दीज आर द फोर यूनिट जो हमें बात करनी है किसमें। अच्छा, प्लस आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इट मीन्स यू हैव द ऑप्शन कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं है, बल्कि डोमेन सब्जेक्ट तो आई थिंक इट इज अ बेटर वे कि आपने 12th में चीजें पढ़ी हैं तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे डोमेन सब्जेक्ट में। तो इन केस यू आर गेटिंग द चांस कि आप डोमेन चूज करो तो डू चूज द डोमेन सब्जेक्ट। सो द यूनिट फिफ्थ दैट वी हैव हियर इज प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। इंडिया में जो सोशल चेंज हो रहा है, जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है, वो किस रीजन से हुआ, लाइक मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, इन सब चीजों में इंडिया में काफी जो चीजें थी, वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट था, इन्होंने काफी चीजें जो थी वो इंडिया में चेंज कर दी थी। तो ये सारा कंसेप्ट आपकी जो 12th की बुक है, सोशल चेंज इन सोसाइटी वाली जो बुक है आपकी, वहां की स्टार्टिंग के चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज दैट वी हैव टू कवर। इसमें ही हमें पढ़ना है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड लॉ, बिकॉज सोसाइटी में पुराने पैटर्न चेंज होके नए पैटर्न आ रहे थे। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर की बात करें, गोविंद रानाडे, सावित्री बाई फूले, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे जो मैंने ऑलरेडी कवर भी करा है एनसीईआरटी में, वो क्या रोल प्ले कर रहे थे रिगार्डिंग दिस। देन वी हैव टू कवर सोशल चेंज इन द पॉलिटी, की पॉलिटी किस तरीके से, मतलब आपकी जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से आपके सोशल चेंज के प्रोसेस को इनिशिएट कर रही है, उसमें फेवरेबल चेंजेस लाने की बात कर रही है। तो सबसे पहले कि हमारी कंट्री की जो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, वो इनइक्वालिटी के लिए मना करता है, वो आपके जो बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी बातें करके चलता है। तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सोशल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है, आपके प्रेशर ग्रुप है, वो इनिशिएट करती है चेंजेस को, एक चेंज लाने की बात करती है, उसको रखती है, डिस्कशन होता है, चेंज लाने की बात की जाती है, उसके अगेंस्ट और नेगेटिव में बात की जाती है। तो और किस बेसिस पे, वायलेंस से तो आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हो ना, बिकॉज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंसेप्ट हमें देखना है, पंचायती राज जो ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाने की बात थी, विलेज लेवल तक डेमोक्रेसी और ऑटोनॉमी पहुंचाने की बात थी, पंचायती राज की बात करनी है। और जो आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं, दिस ऑल वी हैव टू स्टडी इन यूनिट 6। देन वी हैव यूनिट 7, इट इज सोशल चेंज एंड इकोनॉमी। अब थोड़ा इकोनॉमी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, इकोनॉमी में बहुत चेंज हो रहे थे, लाइक 1991 की बात करें तो आपकी इकोनॉमी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। पहले आपकी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी, लेकिन 1991 में वो बन गई एक ओपन इकोनॉमी, ट्रेड होने लगा इंटरनेशनली, ट्रेड बढ़ गया, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो इकोनॉमी की वजह से किस तरीके से सोशल चेंज आता है, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कल्चर भी आपका ग्लोबलाइज हुआ, एजुकेशन भी ग्लोबलाइज हुई, काम तो हुआ ही हुआ था।
तो लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो लिबरलाइजेशन में आप गए वो बात करेंगे, प्लस जो क्लास स्ट्रक्चर बदला, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्लासेस और इनकम, क्लासेस बेस्ड ऑन इनकम, वो सब की बात यहाँ करनी है। फिर एरेनाज ऑफ सोशल चेंज और न्यू एरेनाज, मतलब जो सोशल चेंज हो रहे हैं थोड़ा पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में होते थे, तो वो मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से उस चेंज को इनिशिएट करता है, ये बात करनी है। अभी मैंने बताया ना, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं कर रहा था, मल्टीपल चीजों को टारगेट कर रहा था, तो ये बात हमें यहाँ करनी है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट सोशल मूवमेंट, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, दलित्स प्रॉब्लम में थे, दलित के लिए अलग राइट्स करे जा रहे थे, एनवायरमेंट को लेकर अलग अलग प्रॉब्लम्स थी जिसके रिगार्डिंग क्या था, बहुत सारे मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, देयर आर मेनी मूवमेंट, तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और रिफॉर्मर जो थे वो इस सेक्टर पे भी काम कर रहे थे, दलित एंड बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रहे थे, वर्कर्स जो थे उनकी वेज रेट की प्रॉब्लम थी, वर्किंग कंडीशन की प्रॉब्लम थी, सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, प्रॉपर फॉर्मर उनको जो बेनिफिट थे वो नहीं मिल रहे थे, इन सब के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके के सोशल मूवमेंट चले हैं। दिस इज अगेन 12th के एनसीईआरटी के ही टॉपिक है, कुछ अलग से टॉपिक नहीं है। प्लीज सिलेबस देख के डरना नहीं है, आप लोगों को नाम से आइडिया लग रहा होगा, मोस्टली टॉपिक जो है, मतलब मोस्टली क्या, मैं सारे ही बोलूंगी, सारे टॉपिक आप लोगों की क्लास 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो कैसे प्रिपेयर करें इन 40 क्वेश्चन के लिए, और आई नॉट यूज 40, आई से 50 क्वेश्चन के लिए, ऑल्दो 40 अटेम्प्ट करने हैं बट हमें 50 आने चाहिए, तो उसके लिए 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना है। इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैंने चैनल पे ऑलरेडी एनसीईआरटी की डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पे दोबारा दोबारा चीजें करने का अभी जरूरत नहीं है। कुछ एमसीक्यू मैं आप लोगों की और प्रैक्टिस करा दूंगी, चैनल पे एमसीक्यू भी अवेलेबल है, चैनल पे डिटेल्ड बुक डिस्कशन भी अवेलेबल है। सो आई होप ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। इन केस स्टिल एनी ऑफ द डाउट इज लेफ्ट, इन केस आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप लोग मुझे मैसेज यहाँ पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। If you find this video beneficial, then do share it with all your classmates, with all your friends. Friends limited होते हैं, classmates बहुत सारे होते हैं, तो that's why I'll use the word classmate, या ताकि maximum लोगों तक ये video पहुंच पाए, because इस तरीके की और भी multiple subject के syllabus को decode करके और domain specific चीजों पे video मैं later on आने वाले समय में बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों तक पहुंचेगी, maximum बच्चों तक पहुंचेगी, तभी उस चीज का benefit रहेगा। तो don't keep it to yourself, just चीज मिली है, benefit लग रहा है उसका, तो just share it among all of the others. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching this video.